हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में जनरल नॉलेज कर रहे लुसेंट से। तो इसमें एंशिएंट हिस्ट्री डिस्कस करें। आपको पता है मॉडर्न हिस्ट्री केमिस्ट्री कंप्लीट है ऑलमोस्ट, उसके अलावे फिजिक्स भी बहुत सारे चैप्टर हो चुके हैं, आप देख सकते हो। उसके अलावे आज से स्टार्ट हुआ दो और सीरीज, इसमें पॉलिटी और बायोलॉजी, ठीक है ना। बायोलॉजी दो स्टार्ट करेंगे, दो चीज़, ठीक है ना। और इसको जैनिज्म अभी कर रहे हैं। एंशियंट हिस्ट्री में बुद्धिज्म कंप्लीट हो चुका है दो वीडियो में, एक वीडियो होगी 20-25 मिनट से भी कम की और एक होगी 10 मिनट की, मतलब हाफ एन आवर में आपका बुद्धिज्म कंप्लीट पूरा लूसेंट। और लूसेंट मैंने देखा है बुद्धिज्म में बहुत ठीक ठाक दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि कम दिया हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि मेरे नोट्स में जो भी मैंने लिखा था कई बुक से, तो मैंने देखा कि ऑलमोस्ट चीज़ है, मतलब कुछ कुछ चीज़ों को छोड़ के, तो वो चीज़ मैंने बता रखा है, एक्स्ट्रा मैंने बता दिया है, लेकिन बहुत चीज़ है इसमें, ठीक है। तो इसमें जैनिज्म करते हैं, जैनिज्म में भी ऑलमोस्ट सारा ही है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, मतलब जो एग्ज़ाम में कभी आया है वो तो है ही, तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। जैनिज्म के बारे में करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ, अकॉर्डिंग टू द जैन ट्रेडिशन देयर आर 24 तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का मतलब होता है जो कि फोर्ड मेकर, या हम बोल सकते हैं जिसको गुरु टीचर बोल सकते हो आप, सिंपल माने तो हम सिंपल बोल सकते हैं टीचर, ठीक है ना। डॉग तीर्थंकर, ठीक है ना। जिन्होंने जिन्होंने क्या हासिल कर लिया, जिन्होंने हासिल कर लिया ज्ञान हासिल कर लिया, ठीक है ना। अक्रॉस द स्ट्रीम ऑफ एग्जिस्टेंस, जिसमें से देखो 24 तीर्थंकर थे, जिसमें से पहला नाम है बहुत इंपॉर्टेंट, पहला नाम और लास्ट दो नाम यही आपको याद रखना। पहला नाम है ऋषभ देव, और जिनका सवारी, जिनका जो जिनका सिंबल था वो था बुल, ये दो याद रखना है आपको, ऋषभ ऋषभ देव, ठीक है। ऋषभ देव का जो सिंबल है वो बुल है। उसके अलावे आपको याद रखना है लास्ट में महावीर, और उससे जो 23rd है दो याद रखना है। सबसे पहले अब देखते हैं विष्णु पुराण और भगवत पुराण, दो चीज़ में दो की दो जो स्क्रिप्ट है, जो किताबें, जो ग्रंथ है, उसमें ऋषभ देव को बताया गया है नारायण का इनकार्नेशन, इसका मतलब भगवान विष्णु का रूप। जैसे आपको पता है कि राम जी भी, भगवान राम भी भगवान विष्णु के रूप है, उसी तरह कृष्ण भी, सब एक ही भगवान के रूप है, ठीक है ना। तो सेम इसी तरह बनाया गया है विष्णु पुराण और भगवत पुराण, जो किताब है उसमें लिखा गया है कि ऋषभ देव जिनका सिंबल बुल है वो क्या है, नारायण के इनकार्नेशन है, भगवान विष्णु का ही एक रूप है। उसके अलावा दो जैन तीर्थंकर, जैसे एक है ऋषभ और एक है अरिष्टा नेमी, जिसके बारे में लिखा हुआ है ऋग्वेद में भी, ठीक है ना। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए अरिष्टा नेमी कौन से गुरु हैं, ये आपको यहाँ से देख ले सकते हो। अरिष्टा नेमी है 22nd दिन, जिसका सिंबल है कॉन्स सेल, इनका सिंबल है। तो अरिष्टा नेमी और ऋषभ के बारे में ऋग्वेदा में लिखा हुआ है, सिंपल, ठीक है ना। हिस्ट्री हिस्टोरिकली जो स्टार्टिंग के 22 जो तीर्थंकर के बारे में एम्बिगुअस है, मतलब अच्छे से कहीं भी डिस्क्राइब नहीं है, खासकर जो बीच के जो पहला ऋषभ देव का तो नाम पता ही भी चलता है कहीं कहीं से, बाकी का तो पता भी नहीं चलता अगर जब तक महावीर और 23rd वाले का पता ना चले। पार्श्वनाथ और महावीर का दोनों का अच्छे से हिस्टोरिकल प्रूफ है, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं पार्श्वनाथ के बारे में, हमें थोड़ा डिस्कस करना है, मेन महावीर जी के बारे में डिस्कस करना है। पार्श्वनाथ बनारस जो है उसके प्रिंस थे, ठीक ना, प्रिंस थे। उन्होंने अपना सिंहासन छोड़ दिया और सिंहासन छोड़ दिया और चले गए ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, और उनकी मृत्यु हो गई। पार्श्वनाथ एक जगह है पार्श्वनाथ हिल, वहाँ पे मृत्यु हो गई, जो कि झारखंड में है, गिरिडीह झारखंड में एक जगह है, वहाँ पे हुआ। उनका मेन टीचिंग याद रखना है चार टीचिंग, जिन इस चार टीचिंग को अपनाया कि इन्होंने, महावीर ने अपनाया इन्हीं चार टीचिंग को, इसमें एक अपना टीचिंग ऐड करके, ठीक ना। पहला क्या था, अहिंसा। अहिंसा का मतलब है कभी भी किसी को इंजरी मत करना है, इसलिए ये लोग खुद खाना भी नहीं, मतलब खेती भी नहीं करते हैं, कि इनको पता है कि खेती करने से हो सकता है कुछ कीड़े मकोड़े को हम मार दे। जैसे हम अगर जुताई करते खेत का, तो उसमें कुछ कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, तो ये भी नहीं करते खेती।
ठीक है ना। उसके बाद है सत्य, हमेशा सही बोलते हैं, झूठ तो बोलते ही नहीं हैं। उसके बाद असेत, मतलब नॉन स्टीलिंग, कभी चोरी चकारी नहीं करना है। अपरिग्रह मतलब कि अपना प्रॉपर्टी सब छोड़ देना, ऐसा नहीं कि भाई मैं एक जैन जैन धर्म को अपना लिया और यहाँ पे मेरी प्रॉपर्टी है, ये मैं प्रॉपर्टी डीलर का, मतलब यहाँ पे मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी जगह है, ऐसे तो आपको सोचना भी नहीं है। आपको घर त्याग देना है, यानी आपको अपरिग्रह मतलब घर सब कुछ छोड़ छाड़ के आपको चले जाना, चल निकलना है। महावीर ने इन चारों को अपनाया, लेकिन उन्होंने एक और चीज़ ऐड कर दिया, ब्रह्मचार्य को अपनाना है, ब्रह्मचार्य, ठीक है ना। उसके बाद 24 तीर्थंकर को आपको बिल्कुल भी याद, नाम नहीं रखना है, ऋषभ का नाम याद रखना है, बुल उनका सिंबल है। उसके बाद सीधा आपको याद रखना है पार्श्वनाथ, जिसको सरपेंड जिनका सिंबल है, महावीर जी का याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लायन। तो हमें मेन इस टॉपिक में महावीर जी के बारे में, महावीर जी के लाइफ में के बारे में करना है। तो सबसे पहले उनका जन्म हुआ था 540 BC में, ठीक है ना, कुंदल ग्राम में, ठीक है ना, कुंद ग्राम में। कुंद ग्राम कहाँ पे है, वैशाली जो कि बिहार में है, वहाँ पे है, ठीक है ना। उसके बाद उसके फादर का नाम था, उनके फादर का नाम था सिद्धार्थ, जो कि ज्ञान त्रिका क्षत्रिय क्लेन, जो कि आपको पता है बज्जी में बहुत सारे क्लेन था, ठीक है ना, बज्जी में बहुत सारे क्लेन था, ऑलमोस्ट 8 क्लेन था शायद। तो उसका एक क्लेन था ज्ञान त्रिका क्षत्रिय क्लेन, उसके हेड थे उनके पापा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से वो तो बड़े घर से बिलोंग करते थे, ठीक है ना। उसके बाद उनकी माता का नाम था त्रिशला, माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला कौन थी, त्रिशला जो वैशाली किंगडम थे ना, वैशाली किंगडम चेतक, चेतक की बहन थी, ध्यान देना, जो वैशाली किंगडम के मेन किंग थे, किंग की बहन थी चेतक, ठीक है ना, चेतक, चेतक जो किंग थे उनकी बहन थी त्रिशला। त्रिशला से शादी हुआ था इनके पापा का, थे इनकी मम्मी थी त्रिशला, देखो। और महावीर और बिंबिसारा, इन दोनों रिलेशन में कैसे थे आपको मैं बताता हूँ, ये दोनों रिलेशन में कैसे थे। चेतक की बहन से विवाह करते हैं इनके पापा सिद्धार्थ, और चेतक की बेटी से विवाह करते हैं बिंबिसारा, ठीक है ना, जो कि रूलर थे, हर्यंग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, हर्यंग डायनेस्टी के पहले रूलर थे, मगध डायनेस्टी के, ये आपको पता होगा, ठीक है ना। उनकी पत्नी का नाम था चेलना, ठीक है ना। और महावीर की शादी हो जाती है यशोदा से, और उनकी एक बेटी होती है अनुंजा, लेकिन अनुंजा प्रियदर्शनी, ठीक है ना, और उसकी उसकी अपनी बेटी की शादी करवा देते हैं, जिनका नाम था जमेली, हस्बैंड का नाम था जमेली। जमेली ही वो पहला पर्सन है, ध्यान देना, जमेली ही वो पहला पर्सन, जमाली बोलते हैं, जमाली वो पहला पर्सन है जो महावीर के पहले डिसाइपल बने थे। जब महावीर ने अपने ज्ञान हासिल कर लिया तो उसके पहले डिसाइपल थे, वो थे जमाली, ओके। जब वो 30 साल के होते हैं, ध्यान देना, जब 30 साल के होते हैं तो अपने घर को छोड़ देते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद वो साधु की ज़िंदगी अपनाने लगते हैं। एसेटिक, एसेटिक वो इंसान होते हैं जो वर्ल्डली प्लेजर, दुनिया के सारी सुख सुविधाएं के को छोड़ के सबको त्याग दिया है और दुनिया में ज्ञान के लिए निकल पड़ा है, ठीक है। तो ट्रूथ, सच्चाई क्या है, उसके लिए निकल गए थे। और उनके साथ निकलते हैं मखाली घोसला, मखाली घोसला, ध्यान देना, ये नाम इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि मखाली घोसला से फिर इन दोनों के बीच डिफ्रेंशिएट क्रिएट हो जाता है, कुछ बात विवाद, कुछ आइडियोलॉजी, कुछ आइडिया के एवज में डिफरेंस हो जाता है। तो मखाली घोसला छोड़ के चले जाते हैं महावीर को, और एक अपना सेक्ट बनाते हैं जिनका नाम था आजीविका सेक्ट। आजीविका सेक्ट, देखो आजीविका सेक्ट पता है क्या था, आजीविका सेक्ट सिंपल था, ये बोलते थे सब कुछ पहले से प्री डिटरमाइन है, आप कुछ करो ही मत, आपके किस्मत में जो लिखा है वो बदलेगा ही नहीं, ठीक है, मतलब आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, आप जो होगा वो होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं फ्रॉम नाउ अनवर्ड्स, मतलब जैसे देखो उनके, आप ना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे ही 42 साल के हुए, ओके 42 साल के हुए, तो सॉल्ट ट्री के नीचे जम्भीका ग्राम,
जो कि वहाँ पे एक जम्बिका ग्राम था, वहाँ पे रिजुपालिका रिवर के नीचे, ध्यान देना, रिजुपालिका रिवर के नीचे उनको ज्ञान हासिल हो जाता है, ठीक है ना, ज्ञान हासिल हो जाता है। ऑलमोस्ट 30 साल में निकले थे और ऑलमोस्ट 20 साल तक घूमते रहे, इंटेंस मेडिटेशन कर रहे थे, सीवियर पेनेंस होता है ना कि अपने आप को बहुत ज़्यादा दुख देना, उनके बाद उनको इनलाइटनमेंट्स या उसको बोलते हैं केवल ज्ञान हासिल हो जाता है, इनलाइटनमेंट। साल ट्री के नीचे जो रिवर थी, नाम था रिवर का रिजुपालिका रिवर, जगह का नाम था जिम्बिका ग्राम, ठीक है, वहाँ पे इनको हासिल हो जाता, ठीक है ना। अब उनको बोलते हैं केवल्य, मतलब अब उनको सुप्रीम नॉलेज हासिल हो जाता है। उसके बाद उनको केवालिन बोला जाता है, कि परफेक्ट लर्न, कि इनको तो सब कुछ पता है जीना, या जितेंद्रिया, जितेंद्रिया का मतलब होता है जो अपने ज्ञान इंद्रियों, जो अपने सब सेंसेस पे कंट्रोल पा चुका है, जो अपने सेंसेस को जीत चुका है, उसे कोई फील ही नहीं होता उतना, ठीक है ना। उसके बाद निरिग्रंथा, निरिग्रंथा का मतलब फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्डेड, ऑल बॉन्डेड का मतलब अपने भाई बहन ऐसा कुछ उनको पता ही नहीं चलता है, ठीक है ना। अरहंत का मतलब ब्लेस्ड वन, जिसको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है कि अब चलो ज्ञान फैलाओ, ठीक है ना। महावीर, महावीर का मतलब होता है नॉर्मल हम बोलते हैं कि भाई तू कितना वीर है, वीर का मतलब होता है बहादुर, तो महावीर का मतलब सबसे ज़्यादा बहादुर, या मतलब ब्रेव, और उनके फॉलोअर्स को जैन बोला जाने लगा, ठीक है ना। उसके बाद जैसे ज्ञान मिलने के बाद, जैसे भगवान बुद्ध ने पहली बार शरमन दिया था, तो ये भी शरमन देते हैं अपने 11 डिसाइपल के साथ, जिनको बोलने लगे गंधार, गांधार, ठीक है ना, या गांधारवा, ठीक। और एक जगह कहाँ था, पावा में, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जैन संग्रह बनाते हैं पावा में ही, जैन कम्यून भी उसको बोलते हैं। उसके बाद 72 साल के जैसे होते हैं 468 BC में, उनका देहांत हो जाता है पावापुरी में, ठीक है ना। तो आपको दो चीज़ यहाँ से ध्यान रखना है, कुंदल ग्राम वैशाली में इनका जन्म होता है, पावापुरी बिहार शरीफ बिहार में इनका डेथ हो जाता है, और जिम्बिका ग्राम में रिवर रिजुपालिका के नीचे इनको केवल ज्ञान मिलता है। तो तीन इम्पॉर्टेंट, और पावा में पहला बार ये शरमन देते हैं, ज्ञान बांटते हैं लोगों को, उपदेश देते हैं। तो चार जगह आपको नाम एकदम इम्पॉर्टेंट याद हो गया ना, ठीक है। उसके बाद सुधरना, देखो आप, मैंने बताया ना पावापुरी में, जब पावा में जब वो पहली बार 11 डिसाइपल के सामने अपना उपदेश देते हैं, तो 11 में से एक ही जैन मुनि थे, एक ही मुनि थे, सुधर्मा जिनका नाम था, वो जिंदा रहते आफ्टर, मतलब जैन के महावीर मुनि के डेथ के बाद, महावीर मुनि का जब डेथ हुआ तो उस समय सिर्फ यही वो इंसान थे जो जिंदा थे, ठीक ना। डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म, डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म क्या है, त्रिरत्ना आपको बोलते हैं, थ्री जेम्स ऑफ जैनिज्म, थ्री जेम्स क्या है इनके बारे में हम आप देख लेते हैं। थ्री जेम्स है, सिंपल थ्री जेम्स है, कि राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। क्या है, राइट फेथ, या राइट फेथ किसको बोलते हैं, सम्यक श्रद्धा या सम्यक विश्वास, इसका मतलब है हमारी टीचिंग पे सिंपल, जो तीर्थंकर की जो टीचिंग है उस पे सिंपल आँख मूंद के विश्वास करो, बिलीव करो, ठीक है ना। उसके बाद है बिलीव इन द टीचिंग एंड विजडम ऑफ महावीर या और तीर्थंकर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है राइट नॉलेज, राइट नॉलेज का मतलब है कि हम जो नॉलेज देते हैं वो राइट ही नॉलेज है। उसके बाद नेक्स्ट है सम्यक कर्मा, सम्यक कर्म का मतलब होता है, कर्म का मतलब तो आपको पता होगा एक्शन, राइट एक्शन या राइट कंडक्ट। और राइट कंडक्ट क्या था, मैंने बताया था ना चार उनका चीज़ था, जैसे सत्य, असत, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य, ये पांच चीज़ आप करो आपका सब कुछ सही हो जाएगा। क्या था, अहिंसा, मतलब कंडक्ट, जब उनसे पूछा गया सर कंडक्ट कैसे करें, तो सबसे पहले बोलते हैं पांच चीज़ अपना लो ना सिंपली, जिनको बोलते हैं पंच महाव्रता, जैसे महाव्रत होता है ना, महाव्रत, कि आप पांच चीज़ करो, राइट कंडक्ट की बात आती है तो पांच चीज़ करो। सबसे पहले अहिंसा महाव्रत,
अहिंसा महाभारत का मतलब होता है कि आप किसी को मारो मत, कभी भी किसी को इंजरी मत दो। नेक्स्ट होता है सत्य, सत्य का मतलब झूठ मत बोलो। अशेत का मतलब होता है चोरी मत करो, ठीक है ना, डोंट स्टील। अपरिग्रह का मतलब आप प्रॉपर्टी को एक्वायर मत करो, आपको क्या लेना है प्रॉपर्टी से। उसके लास्ट और सबसे लास्ट है ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य का मतलब है कि आप सब कुछ छोड़ दो, मतलब आप ब्रह्मचार्य का मतलब होता है कि डोंट टॉक, मतलब आप न लड़की से बात करो, न लड़की को देखो, न सोचो उनके बारे में, और ऐसे जगह पे तो जाओ ही नहीं। ध्यान देना, ऐसे जगह पे तो जाओ ही नहीं जहाँ पे बहुत ज़्यादा वुमेन होती है, और सिंपल फूड खाओ, ठीक है ना, अपने सेंसेस पे कंट्रोल करो ये सब बात। उसके बाद नॉलेज के टाइप क्या है, पांच टाइप का नॉलेज है, ठीक है ना, पांच टाइप का नॉलेज है। उसके बाद यहाँ से जो है ना एक अलग ही टॉपिक है, स्यादवादा और थ्योरी ऑफ मे बी या परहैप्स, या इसको और भी बोलते हैं अनेकांतवाद थ्योरी, अनेकांतवाद, ठीक है ना। तो पांच नॉलेज है, सबसे पहले उनको कर लेते हैं। मति ज्ञाना, मति ज्ञाना मतलब द परसेप्शन थ्रू एक्टिविटी ऑफ सेंस ऑर्गन इंक्लूडिंग द माइंड, ठीक है ना। मति, मति का मतलब होता है माइंड का ज्ञान। उसका श्रुता ज्ञाना, श्रुता ज्ञाना का मतलब ऐसे नॉलेज जो रिवील्ड किया हुआ है स्क्रिप्चर के द्वारा, स्क्रिप्चर जो लिखा हुआ है कभी आपने सुना उससे जो ज्ञान हासिल किया। अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान का मतलब होता है चैरवोयंट परसेप्शन, सिंपल। महा देखो इसका सब नाम याद कर लो, वही वो भी काफ़ी है, ठीक है, नाम याद कर लो इन चीज़ों का। उसके बाद नेक्स्ट है मना परियाना ज्ञाना, टेलीफैटिक नॉलेज, और उसके बाद केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान का मतलब होता है टेम्पोरल नॉलेज का मतलब लौकिक ज्ञान, ठीक है ना, लौकिक ज्ञान या ओमनी साइंस जो ऊपर का ज्ञान है, ऐसे ज्ञान लौकिक ज्ञान, ठीक है ना। उसका स्यादवादा नेक्स्ट टॉपिक है, एक अलग ही टॉपिक है जिसमें महावीर का आप अनेकांतवाद वाला थ्योरी आप पढ़े होंगे कि जो आप ये बोलते हैं, सिंपल बोलते हैं कि आप जो भी करते हो उसके आप मतलब सिंपल सिंपल आप कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता, आप कोई भी कदम उठाते हो उसके पीछे बहुत कोई ना कोई कारण ही होता है, ऐसा नहीं होता है बिना कर्म। ऑल आर जजमेंट आर नेसेसरली रिलेटिव, कंडीशनल एंड लिमिटेड, सिंपल बोलते हैं कि आपका हर एक जजमेंट रिलेटिव होता है किसी न किसी चीज़ से, कि मैं यहाँ पे इसलिए चला हूँ कि इससे वो फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा, मैं इस किताबें मतलब बिना मतलब कि हम कुछ करते ही नहीं हैं। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू स्यादवादा, या इसको अनेकांतवाद भी बोलते हैं, या सेवन मोड ऑफ प्रेडिक्शन आर पॉसिबल, आप यहाँ सिंपल बोलते हैं कि एब्सोल्यूट अफर्मेशन एंड एब्सोल्यूट निगेशन, मतलब किसी चीज़ से आप एकदम राजी हो जाओ और किसी चीज़ को सिंपल सीधे सीधे मना कर देना, इस ये दोनों गलत है। मैं सिंपल सिंपल सिंपली बोलते थे कि मतलब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं सिंपल भगवान को मानता हूँ एकदम भक्ति से कि मैं भगवान है ही है, एक ये तरीका हुआ, और एक मैं सीधा सीधा नकार दे लूँ कि नहीं हो ही नहीं सकता भगवान, हो ही नहीं सकते, दोनों गलत है, दोनों गलत है। आप ना सिंपल कंप्लीट अफर्मेशन भी नहीं कर सकते हो और एब्सोल्यूट निगेशन भी नहीं कर सकते। वो बोलते हैं कि हमारा हर एक जजमेंट कंडीशनल होता है, ठीक है ना। उसका स्यादवादा को अनेकांतवाद भी बोलते हैं, और इसका मतलब होता है थ्योरी ऑफ प्लूरलिटी और मल्टी साइडनेस का, मतलब आप कुछ भी मतलब कोई भी चीज़ का मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सेम चीज़ हो रहा है आप अलग तरीके से सोचते हो, तभी तो हम बोलते हैं कि पॉजिटिव मतलब हर चीज़ से आप पॉजिटिव निकालो, मतलब सेम चीज़ से इसका मतलब क्या है कि एक चीज़ के बहुत सारे मतलब हो रहे हैं तभी ना आप पॉजिटिव ले लेते हो, कोई और निगेटिव ले लेता है, ठीक है ना। उसके बाद बुद्धिज्म के जब प्रीच करते थे तो उनके प्रिंसिपल क्या क्या थे, किन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। सबसे अच्छा है कि सबसे पहले वो वेदा के ऑथोरिटी को सीधा सीधा नकार रहे थे, क्योंकि पता है ये सिंपल उसी के खिलाफ ही तो बना, क्योंकि वेदा इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था, लोगों के समझ में नहीं आ रहा था, संस्कृत भाषा मतलब अजीब मतलब और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था, खासकर उन लोगों के लिए जिनको संस्कृत वगैरह नहीं आता था, या वो उन लोगों के लिए जो पुअर पीपल थे, ठीक है ना।
तो रिजेक्टेड किया, रिजेक्ट किया सिंपली वैदिक एंड वेदा के अथॉरिटीज को, और सिंपल गॉड के एग्जिस्टेंस को बिलीव नहीं करते थे। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, सीधा सीधा ये इन्होंने अपने ही थ्योरी में बोला है कि किसी चीज़ को सीधा नहीं नकारते थे, मतलब एकदम कंप्लीट निगेशन, कंप्लीट अफर्मेशन, कुछ भी ऐसा नहीं होता था कि एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं होता था। अपने कर्म पे विश्वास करते थे और वो बोलते थे इंसान मरता नहीं है, सोल का ट्रांसमाइग्रेशन होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। उसके बाद वो इक्वलिटी पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते थे। इक्वलिटी का मतलब अगर इनके संघ में आप गए हो तो आप नहीं देखा जाए कि आप क्या हो, आप इक्वल हो गए, चाहे आप राजा हो, चाहे आप कोई कोई पीजेंट है, सब इक्वल है। उसके बाद इनका दो काउंसिल होता है, जैसे बुद्धिस्ट के चार काउंसिल होते हैं, इनके दो ही काउंसिल होते हैं। लेकिन दो काउंसिल कौन कौन है? पहला बुद्धिस्ट काउंसिल होता है 300 BC में पाटलिपुत्रा में। कौन करते हैं? स्थूल भद्र उसके चेयरमैन होते हैं। पैट्रोन्स का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में होता है। इस समय 12 अंगाज, मतलब हम समझ सकते हैं 12 किताब का कंपाइलेशन होता है, ताकि आगे भी लोगों को पता चल सके क्या था जैन धर्म क्या था। उसका सेकेंड होता है 512 AD में बल्लवी में, ठीक है ना, सेकेंड होता है 512 AD में बल्लवी में। यहाँ पे क्या होता है, देवार्धि छमास रामना ये चेयरमैन थे, नाम याद रखना, और नहीं भी याद रखे तो कोई बात नहीं। और इसमें पता है क्या होता है, इसमें सिंपल बहुत ज़्यादा नुकसान वाला होता है, इसमें दो पार्ट में तोड़ दिया जाता है जैन धर्म को, दिगंबर और श्वेतांबर में। होता क्या है पता है, चाहे चाहे इसमें आगे दिया ही है, ठीक है, आगे दिया है, यहाँ पे आगे बताए, ठीक है ना। उसके बाद जैन लिटरेचर के बारे में पढ़ते हैं। द सैक्रेड लिटरेचर ऑफ श्वेतांबर इज रिटन इन द टाइप ऑफ प्राकृतिक, वन से थोड़ा आवाज़ आ रहा है, ठीक है, इसमें यही तक हम रहने देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि 22 मिनट हो गया, ठीक है ना। उसमें जैन के सेक्ट डिस्कस कर लेंगे, और मैंने वो बताया ना कि उसमें दो पार्ट में वो यहाँ डिवाइड हुआ है, और इसके जैन आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कुछ रॉयल पैट्रॉन्स है, इतना ही है नॉर्थ और साउथ में, मतलब 10 मिनट की और वीडियो होगी। और उसके बाद हम मौर्य पीरियड को डिस्कस करेंगे, इसमें एनशियंट में हम जो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहले डिस्कस करें, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।